नमस्कार, आप सभी का स्वागत टीसी म्यूजिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं AWES का पेपर, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, और क्वेश्चन पेपर जो हैं आपके 29/3/2023 को ये पेपर हुआ था, जिसका आंसर की हम सभी मिलकर के इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्ट है आज इसका दो, आज इस पेपर का पार्ट है आपके दो। आप सभी कैसे हैं? स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त, ईश्वर करें आप सबको खुश रखें। हमारी आवाज़ अगर आप तक अच्छे से पहुंच रही है तो बिल्कुल अपना थम्स अप करके हमको बताएं कि बिल्कुल आवाज़ एकदम ओके आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही है। तो आज का प्रश्न पत्र आपके सामने है और प्रश्न सॉल्व करेंगे हम। इसमें से कल 25 प्रश्न सॉल्व किए थे, आज उसके आगे के सॉल्व करेंगे। काफ़ी जो है अच्छा पेपर ये है आपके स्क्रीन पे। और दोस्तों कहते हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। मेरे प्यारे मित्रों, है ना, कभी भी हौसला मत खोना ये मुसाफिर चलने वाले, क्या पता मंजिल ने भी तेरे हौसले का ही बहाना लिया। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। ठीक है, तो सभी का मैं स्वागत करता हूं। कौन कौन हमारे साथ में जुड़ गए हैं आप सभी का? पंखुड़ी जी, पूजा जी, एंड दिव्या जी, एंड भरत जी, एंड रंजीत जी, कनिका जी, विनायक जी, अमन जी, लता जी, एंड नेहा बिष्ट जी, राजेंद्र जी, सुकृति पाल जी, पुनीत सिंह जी, एंड आर्विक क्लोथिंग जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। जिन्होंने क्लास को लाइक कर दिया है थैंक यू सो मच, जिन्होंने नहीं किया वो भी लाइक कर दी। इफ़ यू कैन पॉसिबल पुट ऑन योर स्टेटस ऑल्सो, एंड अपने जितने भी मित्रगण हैं उन सभी को जोड़ने की कोशिश करें। प्रवीण जी, वंदे मातरम, रितिका श्रीवास्तव जी, नियति जी, संजय जी, बिल्कुल पूजा मैम, खूब जो हैं आप मौज करिए, खूब मस्त रहें, ईश्वर आपको तरक्की दें। कांता जी, चौबे जी, हर हर महादेव, डीएस तबला ऑफिशियल जी। तो दोस्तों आगाज करते हैं आज की आंसर की का, और आंसर की आपके स्क्रीन पे हैं और इसको जो है आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी अच्छे प्रश्न जो हैं आपके स्क्रीन पे दिखेंगे आपको, और खुशखबरी भी हम आपको देंगे कि क्या खुशखबरी आपके सी है। पहले खुशखबरी सुनना चाहेंगे या पहले पेपर सॉल्व करना चाहेंगे बताइए? पहले खुशखबरी लेंगे या पेपर सॉल्व करेंगे? प्रियंका जी, तनुश्री जी, नूतन कला सुर संगम जी, ज्योति जी, खुशखबरी भी हमारे पास में है, तो पहले खुशखबरी लेंगे या पेपर सॉल्व करेंगे? अमन जी, क्या बात है, आहा, चलिए बिल्कुल सस्पेंस बनाकर रखते हैं और खुशखबरी डेफिनेटली आपको सुनाएंगे हम। खुशखबरी भी हमारे पास में है आपके लिए, है ना, खुशखबरी पहले, है ना, खुशखबरी, चलिए चलिए देंगे देंगे। पहले पेपर, रितिका जी ने कहा पहले पेपर, अमन जी कह रहे हैं पहले खुशखबरी, मतलब अरे मीठा हो जाए। नेहा मैम वैसे ही मीठे से बदनाम कर रखा है कि बस मीठा 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 मांगते हैं। अरे मीठा मांगने वाला भी तो होना चाहिए, ज़िंदगी में खुशियां लाने वाला भी तो होना चाहिए, तो तभी तो मीठे की बात होती है। चलिए बिल्कुल देंगे। सबसे पहली खुशखबरी, UGC नेट की फाइनल आंसर की आ चुकी है। जिन्होंने नेट का पेपर दिया है वो अपनी आंसर की मैच कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस जो हैं बड़े हैं,
कौन कौन से आपके जो है राइट माने गए हैं वो हम आपको अभी बताएंगे पेपर के दौरान कि कौन कौन से क्वेश्चंस राइट हो गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा मैदान में उतना दहाड़ मारेगा, मेरे प्यारे मित्रों। तो लीजिए, हाँ, आंसर की का पार्ट दो आपके स्क्रीन पे, और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है कि ये आ गया आपके स्क्रीन पे आज का पहला प्रश्न, विच परकशंस इंस्ट्रूमेंट इज फ्रॉम कर्नाटिक म्यूजिक। ये विच परकशंस इंस्ट्रूमेंट इज फ्रॉम कर्नाटकी म्यूजिक, कर्नाटक संगीत में कौन सा अवनत वाद्य यंत्र है? कर्नाटक संगीत का चेंडा, कंजीरा, मादलम या आपके पखावज, कौन सा जो है कर्नाटक संगीत का आपके जो है क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? तो पहले ही प्रश्न में बड़े जो है गोलमाल से जवाब दिख रहे हैं हमको, और क्या इस प्रश्न का जवाब होगा सही? देखिए, पखावज भी आपके अवनद वाद्य की कैटेगरी में आता है, मादलम भी अवनद है ना, चेंडा भी अवनद है, लेकिन इनका जो माना गया है कि अवनद वाद्य की कैटेगरी में इनमें से कौन सा होगा, तो कंजीरा इन्होंने आपके माना है। क्या माना है? कंजीरा इन्होंने एकदम परफेक्ट माना है। और चेंडा जो है आपके, जो ये भी अवनद वाद्य हैं, लेकिन ये जो है आपके, आपको पता हो तो केरल प्रदेश के अंतर्गत कथकली के साथ में ये प्रयोग में लिया जाने वाला जो आपके हैं, विशेष रूप से दोनों ओर से आपके बजाया जाता है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपके कंजीरा जो है इसका एकदम परफेक्ट आंसर माना है कि विच प्रकशन इंस्ट्रूमेंट इज फ्रॉम कर्नाटक म्यूजिक, कौन सा जो है कर्नाटक संगीत में कहीं ना कहीं जो है आपका अवनत वाद्य जो आपके लिया गया कर्नाटक संगीत में, बिल्कुल डेफिनेटली आपके कंजीरा जो है लिया जाता है। कर्नाटक संगीत में आप जब गायन होता है तब देखे हो कंजीरा का बखूबी से प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, इसलिए कंजीरा ही इस प्रश्न का एकदम सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या आ गया आपके स्क्रीन पे दो, हु रिसीव्ड द टाइटल ऑफ रंगराज एंड तानराज, रंगराज और तानराज की उपाधि किसने प्राप्त की थी? हु रिसीव्ड द टाइटल ऑफ रंगराज एंड तानराज, किसने प्राप्त की थी ये उपाधि, है ना? काफी दिनों बाद में लता जी आप दिख रहे हैं, कैसे हैं आप, स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक है? नियति जी बिल्कुल, श्वेता जी, भारती जी, नेहा यादव जी, बिल्कुल सभी का स्वागत है जी। तो यानी कि गोपेश्वर बंदोपाध्याय, जद्दू भट्ट, गंगा नारायण या विष्णु चक्रवर्ती, क्या इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा? दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों को इस क्लास के साथ में जोड़ें, जिससे कि उनका भी फायदा हो जाए आप सभी के साथ में, क्योंकि कई लोगों को तो हो सकता है पता भी नहीं हो कि ये इस तरह की क्लास जो है चल रही है, तो मुझे भी इस क्लास के साथ में जुड़ना चाहिए। मेरे पास में जब मैसेज या फ़ोन आते हैं बच्चों के, तब कहते हैं कि सर मेरा फ्रेंड ये क्लास देख रहा था लेकिन आज तक इस क्लास के बारे में मुझे नहीं बताया। तो मैंने कहा वो आपका परम मित्र है इसलिए आपको नहीं बताया, तो आपको जो है मित्रता निभानी है, आपको मित्रता निभानी है, इसलिए आप जरूर बताएं, आपको जरूर बताना है अपने मित्र को कि भैया आजा मेरा क्या जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो गोपेश्वर नहीं है, गंगा नारायण जी नहीं है, और विष्णु चक्रवर्ती नहीं है। जद्दू भट्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रंगराज और तानराज की उपाधि से आपके जद्दू भट्ट जी जो हैं बिल्कुल जाने जाते हैं, है ना। जद्दू भट्ट जी किस घराने से बिलोंग करते हैं, कौन से घराने से बिलोंग करते हैं आपके जद्दू भट्ट जी? प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि जद्दू भट्ट जी जो हैं कौन से घराने से आपके बिलोंग करते हैं, तो आंसर क्या होगा हमारा आंसर क्या होगा इसके लिए? बिलासपुर, कौन दे रहा बिलासपुर? बिष्णुपुर घराना बंगाल का, बिल्कुल बिष्णुपुर घराना जो है, विष्णुपुर घराना, ऑप्शन संख्या दो इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या तीन आया था आपके स्क्रीन पे और बड़ा अच्छा प्रश्न आया था, विच इज द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ ताल, विच इज द
शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ द ताल की सबसे छोटी इकाई, ठेका, विभाग, ताली और मात्रा। ताल की सबसे छोटी इकाई जो है किसे मानी गई है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन एक आंसर पुनीत सिंह जी ने उठा के दिया है, कौन सा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति सुंदर। सभी का प्रयास सराहनीय है और ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों से ही आपके जो है बड़ा बन जाता है इंसान और प्रश्न बड़ा बन जाता है। ठेका, ठेका इस पेपर में मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी बार आपके आ रहा है, तीसरी बार आपके ठेका आ रहा है। तो ठेका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में होता है? आज के बाद इस प्रश्न को आप भूलने वालों में से नहीं है। ठेके शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ के अंतर्गत हो रहा है बताइए। अब अगर नहीं बताते हो तो आप सबकी गलती। जितने भी अगर देख रहे हैं, अगर आपने सुना है कि ठेके शब्द का जो है हमने उल्लेख कहीं ना कहीं पढ़ा है आपको, तो आप बताइए कि कौन से ईयर में जो है ठेके शब्द का जो है किस विद्वान ने किया है, जो जो आपको पता है। तो ठेका नहीं है और विभाग नहीं है, ताली नहीं है, मात्रा मात्रा जो है इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताल की सबसे छोटी इकाई जो है आपके मात्रा होती है, ठीक है। मात्रा जो है इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है प्यारे मित्रों। 1857 में शर्माए थे इशरत के साथ में शादी कर लीजिए, कौन शादी कर लीजिए? शर्मा गए थे इशरत के साथ में। शर्माए इशरत जो ग्रंथ हैं 1857 में आपके जो हैं इसमें प्रयोग मिलता है आपके ठेके शब्द का, ठीक है। ठेका शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या आ गया है आपके स्क्रीन पे 4। राइटर ऑफ द बुक तबले पर दिल्ली और पंजाब, तबला पर दिल्ली और दिल्ली और पूरब, माफ कीजिएगा, तबला पर दिल्ली और पूरब पुस्तक के लेखक भगवत प्रसाद और आपके भगवान प्रसाद दास जी या सत्यनारायण वशिष्ठ या भगवान भगवत शरण शर्मा जी, क्या हो जाएगा इसका? कौन सी राग हो गई है? ऑप्शन संख्या 1 नहीं है, ऑप्शन संख्या 2 नहीं है, ऑप्शन संख्या 4 नहीं है। सत्यनारायण विशिष्ट वशिष्ठ जी जो हैं इस प्रश्न का एकदम सही आंसर है। दरबारी कानड़ा दे रहे हैं कोई विश्वकर्मा जी, बोले दरबारी कानड़ा गुनगुना रहे हैं। बहुत बढ़िया, बेहतरीन राग है। मालकोंस या चंद्रकोंस? अरे चंद्रकोंस राग है ये, नी शुद्ध जब प्रयोग हो रहा है तो चंद्रकोंस आपका हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का तो हो गया प्रश्न ऑप्शन संख्या 3, लेकिन भगवत शरण शर्मा जी की कोई प्रसिद्ध बुक, एक बुक का नाम बताइए। भगवत शरण शर्मा जी की कोई एक पुस्तक का नाम बताइए। इस प्रश्न का तो आंसर संख्या ऑप्शन संख्या 3 है, भगवत शरण शर्मा जी का। कौन सा हो जाएगा? देखिए भगवत शरण शर्मा जी से अगर हमसे पूछ लिया जाता है तो कौन सी हो जाएगी? भारतीय संगीत का इतिहास, अच्छा एक ताल प्रकाश, ताल प्रकाश भी ध्यान में रखिएगा। ताल प्रकाश भी इन्हीं का है, भगवत शरण शर्मा जी का। और भी पुस्तक मिलता है ना, एक सितार वाली पुस्तक मिलती है कि नहीं मिलती है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या आ गया आपके स्क्रीन पे जो है, नेम द घराना विच पंडित भीमसेन जोशी जी रिप्रेजेंटेड, यानी कि भीमसेन जोशी जी किस घराने का नेतृत्व करते थे, प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है? पटियाला, आगरा, जयपुर या किराना, कौन सा घराना है?
गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग म्यूजिक जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों लाइक वाला बटन जो है घुमा ही दीजिएगा, जिसने नहीं ठोका है लाइक, मतलब क्लास में फिर अधूरापन ही लगता है आपको अपने आप से, स्वयं की अंतरात्मा से अधूरापन लगता है, इसलिए छुप के देखने से बेटर है। वो आता है ना, छुप छुप के मौसम आया, मौसम आया ठंडा ठंडा संगीत का, है ना, तो छुप छुप के नहीं देखना है। तो किराना घराना से जो है आप बिलोंग करते हैं। पंडित भीमसेन जोशी जी के गुरु का नाम क्या है, गुरु का नाम क्या है बताइए, गुरु का नाम पूछ लेंगे तो क्या जवाब देंगे। किराना घराना इनका है और सवाई गांधर्व जी, सरवाई गांधर्व जी। हाँ, काफी लोगों ने लिखा है भारतीय संगीत का इतिहास, बिल्कुल बिल्कुल सवाई गांधर्व जी। दोस्तों अगर बात करें पंडित भीमसेन जोशी जी की, तो चार जो हैं आपके फरवरी में आपका 1922 में जन्म होता है धारवाड़ में। कहाँ पे होता है, कर्नाटक राज्य के धारवाड़ के कौन से ग्राम में इनका जन्म होता है, कर्नाटक राज्य के धारवाड़ में कौन से ग्राम में इनका जन्म होता है। गुरुराज जी इनके पिताजी का नाम होता है, गुरुराज जी इनके पिताजी का नाम होता है, ठीक है ना। तो माताजी का नाम गोदावरी बाई होता है, गोदावरी बाई जो है आपके माताजी का नाम होता है, ठीक है। धारवाड़ के किस गांव के अंतर्गत इनका जन्म हुआ है बताएगा कोई, चलिए जो जो बता रहे हैं उनका शुक्रिया। गदग में जो है एकमात्र जो है बताया नेहा बिष्ट मैम ने, वेरी गुड नेहा जी, गदग ग्राम के अंतर्गत जो है इनका जन्म हुआ है। और दोस्तों निम्न में से इनको जो है कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है, पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण या नन ऑफ द अबव, कौन सा जो है पुरस्कार इनमें से नहीं मिला है इनको, इनमें से कौन सा पुरस्कार इनको नहीं मिला है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या नन ऑफ द अबव। जिसका जो आंसर है वो दीजिए, क्योंकि एग्जाम में बैठे हैं हम। वेरी गुड कांता जी, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, गुड गुड। क्योंकि पद्मश्री जो है आपके, इनके अकॉर्डिंग खुशी जी और आपके नेहा जी, आपके कांता जी, इनके अकॉर्डिंग जो है पद्मश्री इनको नहीं मिला है। अरे बाबा रे, 1972 में इनको पद्मश्री मिला है, 1972 के अंतर्गत जो है पद्मश्री मिला है इनको, ठीक है ना। हाँ, पद्मश्री इनको मिला 1985 में, पद्म भूषण मिला है 1985 में, इनको पद्म भूषण मिला है। जब इनको पद्म विभूषण मिला था तो किस विद्वान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जब इनको पद्म विभूषण मिला था आपके भीमसेन जोशी जी को, तो किस विद्वान को जो है भारत रत्न की उपाधि से मिला, ने सम्मानित किया था। चारों के चारों सम्मान इनको प्राप्त हुए। हाँ नेहा मैम, देख लिया जी आपका, जब इनको आपके पद्म विभूषण मिला था तो किस विद्वान को भारत रत्न से सम्मानित किया था, बिस्मिल्ला खान जी, रविशंकर जी, लता मंगेशकर जी या सुभलक्ष्मी जी, कौन है। 1999 में जो है इनको आपके सम्मानित किया जाता है पद्म विभूषण से। तो फूफा जी को मिलता है, क्या मिलता है, फूफा जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाता है, भारत रत्न किया जाता है कि नहीं किया जाता है। हाँ बिल्कुल, आपके भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाता है फूफा जी को 1999 में, इनको जो है आपके मिलता है पद्म विभूषण। और 2008 में आपको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन संख्या 4 जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या आ गया आपके स्क्रीन पे 6।
यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक के लेखक जो हैं कौन होगा, रविंद्रनाथ टैगोर, नारायण मेनन, राधा राजा सौरेंद्र मोहन या सर विलियम जोन्स, कौन है? ग्रेवी अवार्ड इनको कहाँ मिला है? ग्रेवी अवार्ड इनको कहाँ मिला है? हाँ, फूफा जी को मिला है ग्रेवी अवार्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर कितने लोग दे रहे हैं, कितने लोग दे रहे हैं, और दे रहे दे रहे दे रहे बिल्कुल जो हैं आपके यूनिवर्सल दे रहे हैं, आपके क्लासिकल म्यूज़िक हमारे विनायक जी दे रहे हैं 4 ऑप्शन। तो क्या बात है विनायक जी, आपको जो है अंग्रेज़ों से बड़ा प्यार है। सर विलियम जोन्स को आपने कैसे दे दिया? ठीक है, ये नहीं है, इसके गलत आंसर है ये, इसके भी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सौरेंद्र मोहन टैगोर जी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कौन होगा? सौरेंद्र मोहन टैगोर जो है आपके राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 3 जो है इसका एकदम करेक्ट होगा। और बात करते हैं कि आपके सर विलियम जोन्स, तो सर विलियम जोन्स की कोई एक पुस्तक का नाम बताएं, सर विलियम जोन्स की पुस्तक का नाम बताएं। सपना मैडम, दिव्या जी, बताइए जल्दी से। सर विलियम जोन्स की पुस्तक का नाम ऑन द म्यूजिकल मोड ऑफ हिंदूज, ऑन द म्यूजिकल मोड ऑफ हिंदूज जो है ये पुस्तक का नाम है इनका। और विलाड के साथ में इन्होंने मिलकर के म्यूजिक ऑफ इंडिया पुस्तक भी लिखी है, विलाड ऑगस्ट विलाड के साथ में मिलकर के। और नारायण मेनन की अगर बात करते हैं तो नारायण मेनन कौन है? नारायण मेनन जो है केरल के जो है आपके कवि है, केरल के जो है आपके लेखक है, मलयालम भाषा में जो है आपके लेखक है। ये कौन सी भाषा के लेखक हैं? मलयालम भाषा के लेखक हैं, जिन्होंने 1909 के अंतर्गत जो है आपके वाल्मीकि कृत रामायण जो है उसको आपके मलयालम भाषा में ट्रांसलेट किया था, उसको लिखा था मलयालम लैंग्वेज में नारायण मेनन जी ने। ठीक है, तो आपके इस प्रश्न का ऑप्शन संख्या जो है 3 जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। राजा सौरेंद्र मोहन टैगोर इस प्रश्न का एकदम सही आंसर है। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर जी की कोई एक पुस्तक का नाम बता दो भाई, ज़्यादा तो मत बताओ, एक पुस्तक का नाम बता दो रविंद्रनाथ टैगोर जी का, छापिए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न संख्या आ गया है 7, और 7 कह रहा है द बंदिशेस विच कंटेन द टाइटल नेम ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला आर रिटन बाय, यानी कि जिन बंदिशों में मोहम्मद शाह रंगीला का शीर्षक नाम है वे किसके द्वारा लिखी गई है? अदारंग, सदारंग, मनरंग या शुभ रंग, किसके द्वारा लिखी गई है? गीतांजलि, एकदम करेक्ट आंसर, जिन्होंने गीतांजलि दिया है। और हमारे लता मैडम दे रही है सबरंग, हमारे लता मैडम दे रही है सबरंग, जबकि इसमें शुभ रंग है, सबरंग तो नहीं है। चलिए, यानी कि जिन बंदिशों में मोहम्मद शाह रंगीले का नाम आता है वो किसके द्वारा लिखी गई हैं, है ना? सदा रंग जिन्हें जाओ बेदसवा, सदा रंग जिन्हें जाओ बेदसवा, सुखनी दरिया सोवन दे रे, सोवन दे रे मीद पियरे वा, बाल मारे मोरे मन के बाल मरे मोरे मन के। ठीक है, ये बंदिश किसकी है? सदारंग जी, है ना, सदारंग जी की ये बंदिश आपके ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का करेक्ट होगा। सदारंग जी का वास्तविक जो नाम है वो क्या है? सदारंग जी का वास्तविक जो नाम है वो क्या है बताइए? सदारंग जी का वास्तविक जो नाम है वो क्या है? सदारंग जी का वास्तविक नाम है नेमत खां, नियामत खां, इस प्रकार से नाम इनका मिलता है, नेमत खां या नियामत खां। ठीक है, ऑप्शन संख्या 2 जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो अदारंग, अदारंग का वास्तविक नाम क्या हो जाता है? अदारंग और सदारंग ये दोनों जोड़ी थी, चाचा भतीजे की जोड़ी थी, ठीक है ना? तो अदारंग का आपके हो जाता है फिरोज खान। ठीक है, और मनरंग कौन है?
मनरंग क्या नाम, भूपत का है क्या मनरंग का नाम, क्या है मनरंग, कौन है बताइए कमेंट बॉक्स में छाप के, वो इज द मनरंग, है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए, इस प्रश्न का ऑप्शन संख्या 2। प्रश्न आ गया है आपके 8। संगीत ग्रंथों में नायक नायिका भेद के संस्थापक कौन है, भरत हैं, दत्तिल हैं, नारद हैं या लोचन हैं, यानी कि वो इज द फाउंडर ऑफ नायक नायिका भेद इन म्यूजिक म्यूजिकल टेटिस। ऑप्शन संख्या 1, 2, 3, 4 में से आपको आंसर देना है और क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न की स्थिति क्लियर नहीं है कि राग के संदर्भ में पूछा है या किस चीज के संदर्भ में ये पूछता है कि वो इज द फाउंडर ऑफ नायक नायिका भेद। तो नायक नायिका भेद जो है प्यारे मित्रों यहाँ पे गड़बड़ घोटाला मामला है। अब कई लोगों को तो पता ही नहीं कि इसका क्लेम करना है या नहीं करना है या क्या करें क्या नहीं करें। इसका जो आयोग ने माना है वो माना है आपके लोचन। अब लोचन को किस आधार पे मान लिया ये भी इसको पुष्टि हम नहीं करेंगे कि लोचन को क्यों माना है। अब देखिए नायक नायिका का भेद की वर्णन करें तो कहीं ना कहीं जो है नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र आता है, नाट्यशास्त्र में हम जो है वर्णन इसका पढ़ते हैं इन द सेंस, हाँ नाट्यशास्त्र में, मतलब आपके उल्लेख नाट्य से संबंधित है तो नाट्यशास्त्र में मिला ही है कहीं ना कहीं। और दत्तिल का नहीं है, नारद, नारद ने भी किया होगा लेकिन नारद जो है इसका नहीं होगा, ठीक है ना। अब लोचन जो है किस आधार पे माना जा रहा है तो लोचन का कुछ लॉजिक हमको नहीं लग रहा है कि लोचन, हाउ इज द पॉसिबल कि लोचन इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये प्रश्न है वैसे सर्च का विषय है, रिसर्च करिए इस प्रश्न पे कि क्या इस पे सही होगा, लेकिन जो है कहीं ना कहीं इसका भरत जो है सही होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो इसका लोचन जो आयोग ने माना है वो हम भी इसके साथ में अभी चले जाते हैं, ठीक है। चले इन भरत एरिया द ऑर्केस्ट्रा वॉज नोन एज करण, कुतुब, पुष्कर या सुबरंग, क्या है। भरत काल में वाद्य वृंद के नाम से जाना जाता था, क्या जाना जाता था भरत के काल में आपके जाना जाता था, तो करण नहीं, शुभरंग नहीं, पुष्कर नहीं, कुतुब के नाम से आपको जाना जाता था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कुतुब इन भरत काल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कुतुब इन भरत एरियाज, यानी कि भरत के काल में कितने प्रकार के कुतुब का वर्णन मिलता है, प्रश्न है ये कि भरत के काल में कितने प्रकार के कुतुब का जो है वर्णन मिलता है। तो सीधा सीधा 3 प्रकार का जो है आपके वर्णन मिलता है, तत्कुतुब आ गया, अवनद कुतुब आ गया और नाट्य कुतुब आ गया, ये 3 प्रकार के कुतुब का जो है वर्णन आपको मिलता है, ध्यान रखिएगा। अब जो है कह दिया जाए कि वाद्य वृंद को, वाद्य वृंद या जैसे ऑर्केस्ट्रा, जैसे इंग्लिश में ये शब्द आया है कि वाद्य वृंद को ऑर्केस्ट्रा कहा गया है, अंग्रेजी में पाश्चात्य में आपके ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, तो उसी प्रकार जो है दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं, दक्षिणी संगीत में क्या कहा जाता है, क्या होगा इसका, वाद्य वाद्य वाद्य, कचहरी 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 कचहरी, तोलू केटू, अरे बाबा, अरे तोलू केटू यहाँ से कहाँ से आएगा, तोलू केटू नहीं होता है वो चोलू कट्टू होता है, जो चोलू कट्टू यहाँ अभी कोई लेना देना ही नहीं है चोलू केटू का, नीतू मैडम। हाँ तो इस प्रश्न का ऑप्शन संख्या जो है 2 एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन संख्या 2 और जो है आपके वाद्य कचहरी जो है इसका मिलता है, वाद्य कचहरी। प्रश्न संख्या आपके हैं 10। ऑथर ऑफ राधा गोविंद संगीत सार, यानी कि राधा गोविंद संगीत सार के लेखक सवाई प्रताप सिंह, सवाई माधव राव, राव तुलाजी या राजा मानसिंह, कौन है इसका। प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं जी, या सैद जी, पूनम जी, राजा जी नहीं है, मान सिंह जी, तुला जी नहीं है, माधव राव जी नहीं है, सवाई प्रताप सिंह जी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह जी। अब राजा मान सिंह का क्या है, मान कोतूहल जो है राजा मान सिंह की जो है रचना है जिसमें द्रुपद का वर्णन आपको मिलता है,
15वीं सदी के अंतर्गत द्रुपद का आविष्कार राजा मानसिंह ने आपके किया था, बिल्कुल किया था। राजा मानसिंह का संबंध कहाँ से जाना जाता है, ग्वालियर से जाना जाता है, बिल्कुल इनके संबंध जो है कल ही प्रश्न आया है कि आपके राजा मानसिंह विश्वविद्यालय कहाँ, तो ग्वालियर के अंतर्गत हैं, है ना। हाँ, और दूसरा जो है आपके द्रुपद की चार वाणियाँ जो हैं आपके मानी गई है, द्रुपद को चौताल और विशेष रूप से गाया जाता है चौताल के साथ में। लेकिन द्रुपद गायक को क्या कहा जाता है, द्रुपद के गायक को क्या कहा जाता है? द्रुपद गायक को कहा जाता है कलावंत, क्या कहा जाता है, कलावंत कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों। क्या है कलावंत, कलावंत। और फारसी में आपके मान कोतवाल ग्रंथ का अनुवाद किया राग दर्पण के रूप में किस विद्वान ने किया है, राग दर्पण के लेखक छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में कौन है। और जिस प्रकार हमारे सामने आए तुलाजी, तो तुलाजी का भी कोई ना कोई तो ग्रंथ है, है ना। संगीत सारा मृत कौन सा है, संगीत सारा मृत जो ग्रंथ है वो तुलाजी राव जी का ग्रंथ है, बढ़िया ग्रंथ है, अच्छा ग्रंथ है तुलाजी का, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए, इस प्रश्न का ऑप्शन संख्या जो है एक एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आ गया आपके स्क्रीन पे 11। हु इज नॉट ए सिंगर फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन गायक नहीं है, उस्ताद आमिर खान, उस्ताद अल्लादिया खान, हद्दू खान, अबीबुद्दीन, गायक इनमें से नहीं है, है ना। निम्नलिखित में से कौन जो है गायक नहीं है, कौन है जो गायक नहीं है, कौन है जो इसमें अलग है, लो देख लो इस प्रश्न को आंखें जरा घुमा के, ये प्रश्न थोड़ा अलग है। अलग है या नहीं है, तो यानी कि आमिर खान साहब नहीं है, अल्लादिया खान साहब नहीं है, और आपके हद्दू खान साहब जो इस प्रश्न का आंसर नहीं है। उस्ताद हबीबुद्दीन खान साहब जो हैं, ये जो हैं क्या हैं, एक वादक हैं, वादक क्या हैं, वादक हैं आपके, वादक हैं आपके उस्ताद हबीबुद्दीन खान जी, ठीक है। तबला वादक है, कौन से घराने के हैं, अजराड़ा घराने के तबला वादक आपके हैं हबीबुद्दीन खान जी, ठीक है। हाँ, तबला वादक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो हैं आपके अल्लादिया खान साहब का संबंध किस घराने से है, किस घराने से है अल्लादिया खान साहब का संबंध, क्या मेहर घराने से है, क्या मेवाती घराने से है, क्या जयपुर घराने से है, क्या ग्वालियर घराने से है, बताइए। संगत सम्राट, वेरी गुड। हाँ, अल्लादिया खान साहब का संबंध मेहर, जयपुर, मेवाती या ग्वालियर, वेरी गुड। सपना में कौन सा घराना है, नेहा में, वेरी गुड। देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर तो इन्होंने दिया है, दोनों ने बड़ा शानदार आंसर दिया है। अरे भाई, अलाउद्दीन खान साहब और अल्लादिया खान साहब में थोड़ा तो फ़र्क समझो भैया। ये हैं अलाउद्दीन खान साहब जो मेहर घराने के संस्थापक कहे जाते हैं, और अल्लादिया खान साहब जो हैं जयपुर घराने के संस्थापक आपके कहे जाते हैं। दोनों में कछु फ़र्क नहीं है, रिमोटवा घूमत हैं और गोलवा भरत हैं। प्रश्न संख्या आ गया है हमारे स्क्रीन पे 12। 12 कह रहा है, विच सितार प्लेयर डज नॉट द बिलोंग टू इटावा घराना फ्रॉम द फॉलोविंग्स, यानी कि इनमें से कौन सा जो है सितार वादक है वो इटावा घराने से बिलोंग नहीं करता है। इटावा घराने से बिलोंग नहीं करने वाला कलाकार इसमें से कौन दिख रहा है आपको, उस्ताद इमदाद खान, इनायत खान, हलीम जाफर और विलायत खान, कौन है, यानी कि हमारे नेहा बिस्ट मैम, ये श्याम जी कितना सुंदर जवाब दे रहे हैं, अमन जी, है ना, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड, कितना अच्छा म्यूजिक जी, कितना अच्छा पूनम प्रजापति जी, भावना जी, वेरी गुड। एक ही ट्रेन का टिकट कटाएं सभी के सभी,
अरे मेरे को ये बताओ, ये तो सभी एक दादा परदादा हैं, ये आपस में इनायत खान, इमदाद खान और विलायत खान, ये तो सब एक ही फैमिली के हैं तो नहीं है? तो ये उस्ताद हलीम जाफर खान साहब के इनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं क्या? ये इनकी फैमिली में है? सब के सब जो है आंसर दे रहे हैं ऑप्शन संख्या 4, ऑप्शन संख्या 3 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। मतलब चाल चलो अपनी स्वयं की चाल चलना है, अपने स्वयं की चाल को चलना, लेकिन इधर उधर की चाल मत चलिए। नमस्कार, प्रणाम जी, स्वरा मैम खुश रहें, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑप्शन संख्या 3 जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कह पूछ लिया जाए कभी कभी कि आपके हलीम जाफर खान साहब का जो है ग्वालियर में जन्म हुआ था, कौन से जो है ग्वालियर में हुआ था या इंदौर के किसी ग्राम में इनका जन्म हुआ था, तो किस जगह जो है इनका जन्म हुआ था? जावरा, जावरा में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, जावरा में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन संख्या जो है 3 जो है इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो गया। और उस इमदाद, इनायत, विलायत, ये तो सब तो एक ही फैमिली से तो बिलोंग करते हैं। इनायत जी के पुत्र हैं आपके विलायत जी, है ना? इनायत खान के पुत्र विलायत खान। बिल्कुल। प्रश्न संख्या आपके हैं 13। मसीद खानी गत्स मुखड़ा स्टार्ट्स फ्रॉम, आपके मसीद खानी गत का मुखड़ा शुरू होता है 11 से, 12 से, 13 से या 14 से? मसीद खानी गत का जो है मुखड़ा स्टार्ट होता है कहाँ से? दोस्तों कितनी मात्रा का मुखड़ा होता है इसमें? कितनी मात्रा का मुखड़ा होता है इसमें? 6 का होता है, 8 का होता है, 5 का होता है या 13 का होता है? कितनी मात्रा का मुखड़ा होता है इसके अंतर्गत? तो इसमें सो मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग कि 12 मात्रा का मुखड़ा होता है, 12 मात्रा का मुखड़ा होता है। वेरी गुड, जो 12 दे रहे हैं ना वो तो मेरे धन्य स्टूडेंट है। 12वीं मात्रा से शुरू होता है, हमने जल्दी जल्दी तो नहीं बोला, कहीं आप कह दो कि नहीं सर आपने इतनी जल्दी बोली, हम के इधर समझ में नहीं आता तो तुम के इधर तो जल्दी जल्दी बोल देते, हम के इधर भी समझ में आना चाहिए ना। 12वीं मात्रा से शुरू होता है और 5 मात्रा का मुखड़ा होता है। प्रश्न संख्या आ गया है आपकी स्क्रीन पे 14। विष्णु दिगंबर पलुष्कर वॉज द डिसिपल ऑफ, यानी कि दिगंबर जी किनके शिष्य थे? भास्कर बुआ बकले, रामकृष्ण वजे या बाल कृष्ण बुआ इचलन जी कर या विनायक राव पटवर्धन? वेरी गुड। विष्णु दिगंबर जी किनके शिष्य थे? सपना मैडम क्या आंसर दे रहे हो? अरे गलत ट्रेन का टिकट कटवा लिया, आज लोकल एक्सप्रेस में बैठ गए हैं कहीं पे, आप जो जगह जगह जो रुकने के लिए मजबूर कर रही हैं, है ना? ऑप्शन संख्या 1 जिया सैयद जी भी दिए हैं। अरे इतना गड़बड़ घोटाला नहीं करो, गरिमा जी ने कितना शानदार आंसर दिया है। वेरी गुड वेरी गुड, है ना? हाँ, इनका कितनी बार बताऊं कि बाल कृष्ण बुआ इचलन जीकर जी के शिष्य हैं? ये बाल कृष्ण बुआ इचलन जीकर के शिष्य हैं जिन्होंने गायन समाज की स्थापना की थी मुंबई में, जिनके शिष्य ने बाल कृष्ण जी के शिष्य ने 1901 में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी, है ना? बिल्कुल। और विनायक राव पटवर्धन जी हैं आपके विष्णु दिगंबर जी के शिष्य, विष्णु दिगंबर जी के शिष्य हैं विनायक राव पटवर्धन, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि आपका जन्म कब हुआ, तो जन्म आपके 18 अगस्त 1872 के अंतर्गत जन्म आपका हो जाता है, 1872 में जो इनका जन्म हो जाता है। चलिए अब आपसे पूछेगा कि ये बकले साहब है भास्कर बुआ बकले जी, इनका जन्म जो है कब हुआ, इनका जन्म कब हुआ है भास्कर बुआ बकले जी का? ऐसा
1869 में, बिल्कुल कुछ लोगों का ठीक आंसर आ रहा है, 1869 में जो इनका जन्म आपके होता है। खुशी मैडम नहीं पता है, वेरी गुड गुड जॉब। ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या आ गया आपके स्क्रीन पे, हाउ मैनी ग्राम्स रागाज हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन नारदीय शिक्षा, यानी कि नारदीय शिक्षा के अंतर्गत जो हैं आपके कितने रागों का वर्णन किया गया है, 5 ग्राम रागों का, 10, 7, 6, कितनी रागों का वर्णन आपके किया गया है नारदीय शिक्षा के अंतर्गत। नारदीय शिक्षा के अंतर्गत दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कितनी ग्राम रागों का उल्लेख किया गया है, 7 ग्राम रागों का उल्लेख आपके किया गया है। कितनी का? 7 ग्राम रागों का उल्लेख आपके किया गया है। ऑप्शन संख्या 3 इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, 7। ठीक है, तो 15 प्रश्न दोस्तों अभी तक हमने कर लिया नारदीय शिक्षा में, जिसमें सर्वप्रथम आपका तान का उल्लेख जो है आपको प्राप्त होता है नारदीय शिक्षा से ही। सप्त स्वर 3 ग्राम 49 तान का प्रयोग यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है, तो ऑप्शन संख्या 3 जो है इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर होता है या नहीं होता है। तो अभी तक सफ़र जो है आप सभी का कैसा रहा है, अभी तक का कैसा क्या चल रहा है, और 58 यानी कि 60+ जो हैं पर्सन्स आर लाइव, बट लाइक करने में अभी भी कहीं ना कहीं कंजूसी जो है चल रही है ना। दिव्या मैम बड़ा डांस कर रही है आज तो, है ना, मूंगफलियाँ खा रही हैं, डांस कर रही हैं, कभी कभी बादाम भी खा लिया करो। रंजीत जी आइसक्रीम मत खाना, है ना, बिल्कुल। राजेंद्र जी हमने भी कर दिया, जिया जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। मैं अभी ऑनलाइन आई, गुड इवनिंग सर। गुड्डी अग्रवाल जी शुक्रिया जी, है ना, जिनको अच्छा लगता है उनको शुक्रिया, जिनको नहीं लगता है आपका दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपको भी एक ना एक दिन जो है हकीकत से रूबरू हो जाएंगे आप भी, है ना दोस्तों। कई कई बार क्या होता है कि एक तो अनजाने में गलती होना, एक जानबूझकर गलती करके थोप देना आपके ऊपर, तो थोड़ा सा आप लोग समझिए, आप लोग पढ़ते हो अच्छे कंटेंट, अच्छा कंटेंट पढ़िए। काफ़ी लोग जो हैं ऐसे कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, थोड़ा सा समझिए चीज़ों को। और दोस्तों आपसे कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ आपसे किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती है क्लास में। क्या आप एक छोटी सी फीस, यानी कि आपको कैसा लगता है क्लास में आकर के पढ़ना, आपके लिए व्यवस्था की गई है तो अच्छी व्यवस्था की गई है, और ये क्या निरंतर रखनी चाहिए, या जैसे हमने बीच में भी कहा था कि जो है आपके लिए इसमें क्या चार्ज लगा दिया जाए, कुछ बच्चों ने कहा था कि चार्ज नहीं लगाया जाए, लेकिन चार्ज एक सॉल्यूशन नहीं है। मतलब पढ़ने वाले बच्चों का तो जो है वैसे ही लाइब्रेरी ग्रुप में अपडेट कर रहे हैं हम, जो है लाइब्रेरी ग्रुप है टीसी म्यूज़िक का, उसमें अपडेट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी जानकारियाँ निकल करके आती है। डिस्क्रिप्ट में प्रश्न वहाँ पे होते हैं, ठीक है ना, कोई ऑप्शन नहीं होता है, और बच्चा अपने आप से उन प्रश्नों को सोल्व करता है, तो मतलब बहुत बढ़िया से लगता है बच्चों को कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। नहीं, ये गुरु लोगों का आशीर्वाद है विनायक जी। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, और फटाफट अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए, और अपना जो है असली फीडबैक जो होता है ना, रियल क्लास के प्रति समर्पण जो भाव होते हैं ना, वो आप बताया करो कि हम क्लास को लाइक करते हैं तो क्यों लाइक करते हैं, इस क्लास से हम क्या सीखते हैं, क्या नहीं सीखते हैं, क्या मैंने पाया है, जितना पाया उतना ही लिख दिया करो, ठीक है ना। हाँ, तो लाइब्रेरी वाला ग्रुप तो अपडेट हो रहा है, उसमें उसकी जानकारी के लिए हमने पहले भी कहा था कि इस पे आप अपने कॉन्टेक्ट दे दीजिएगा, उसमें मात्र 50 लोगों की एंट्री है, 51 भी नहीं होगा, ठीक है ना। ग्रुप आपके टीसी म्यूज़िक के 3 ग्रुप हैं, जिसमें एक में 700 कैंडिडेट हैं, दूसरे में 600 के करीब कैंडिडेट हैं, टेलीग्राम पे कैंडिडेट देख लिया 1000 के करीब टेलीग्राम में, लेकिन करे क्या, है ना, इसलिए। हाँ, अब दूसरी चीज़ आपको खुशखबरी दे देता हूँ मैं, ले लीजिए खुशखबरी।
नेट का एग्जाम किस किसने दिया था? नेट का एग्जाम किस किसने दिया था? सबने दिया था कुछ कुछ। अच्छा, तो उसमें एक प्रश्न आया था कि उपांग जो है इनकी संख्या कितनी है, उपांग राग की संख्या कितनी है। क्या आंसर दिया था? कई लोगों ने जो है एक्सप्लेनेशन भी दिया था, है ना। उपांग रागों की संख्या कितनी है? पुनीत सिंह जी 6 हैं। एक सिमरन झा जी ने भी हमको 6 दिया था, एक्सप्लेनेशन दिया था कि 6 हैं, है ना। तो मतलब उपांग रागों की 6 कोई नहीं देगा। आपके उपांग रागों की संख्या 3 जो है आयोग ने, यूजीसी ने स्वीकार कर ली है। इस प्रश्न पे क्लेम दिया था, इस प्रश्न पे क्लेम दिया था। इन्होंने 6 को जो है राइट आंसर माना था। हमने ऑथेंटिक रूप से जो है कैंडिडेट्स ने क्लेम दिया था, और ये प्रश्न जो है 3 में इसको कन्वर्ट करके, जिन्होंने 3 दिया है इस प्रश्न का 3 ही आंसर माना है, और सबका ये प्रश्न +2 में आप कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका सही हो गया प्रश्न। आफ्टर दैट आपका एक प्रश्न था, पुंडरीक विट्ठल जी ने कितने विकृत स्वर माने हैं? पुंडरीक विट्ठल जी ने कितने विकृत स्वर माने? तो क्या ऑप्शंस था उसमें? 7 भी था, 14 भी था, और 10 भी था, ऐसा कुछ 12 भी था, ये ऑप्शंस थे। तो यूजीसी ने क्या जो है क्या माना था? 14 जो है इसका आंसर माना था। क्या माना था? 14 यूजीसी ने सही आंसर माना था, और सब के सब हमने भी एक्सप्लेन दिया था कि हाँ 14 माना, तो इस आधार पे 14 माना है। सदराग चंद्रोदय में जो है 14 विकृत स्वरों का वर्णन इन्होंने दिया है, लेकिन हमने फिर भी इस पे क्लेम दिया, हमने फिर भी इस पे क्लेम दिया, और जो है क्लेम दिया तो इसका हमने जो 14 वाला पार्ट तो हमने दिखाया ही नहीं उनको, हमने सिर्फ 7 स्वर विकृत हैं ये वाली चीज हमने अपलोड की, और ये प्रश्न भी राइट हो गया आपका, ये प्रश्न भी आपका राइट हो गया है। तो +2 और कर लीजिए। ठीक है, अब कभी भी अगर रामा मात्य सॉरी पुंडरीक विठल जी से संबंधित अगर ये प्रश्न आ जाता है कि इनके कितने जो हैं विकृत स्वर है, तो 7 ही विकृत स्वर को हम मानेंगे। ठीक है ना, कितने मानेंगे? 7 ही विकृत स्वरों को मानेंगे। दोस्तों ये नहीं है, अगर बच्चा हमसे पूछा है तो रात को 12 बजे भी, अगर जिस बच्चे ने पूछा कि सर ये प्रश्न मेरे को डाउट है इसमें, तो हमने कहीं से भी खोजबीन करके उसको दिया है मटेरियल के आप लगाइए, हम आपके साथ में हैं। आगे तो आपको आना पड़ेगा, हम आपके पीछे खड़े हैं, सपोर्ट में आपके हम खड़े हैं। लेकिन काफ़ी टीचर्स ऐसे हैं सिर्फ और सिर्फ उनका महत्व क्या है? पैसा कमाना, पैसा कमाना उद्देश्य है, और इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है ना, आपसे सिर्फ ये कहेंगे 5,000 रुपये ये फीस है, आप आ जाइए, 10,000 रुपये फीस है, ये मेरा कोर्स चलता है। दोस्तों थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, और जो है जहाँ अच्छा कंटेंट आपको मिलता हो वहाँ पे आप आइए और पढ़ें आप। ठीक है, पैसा हर चीज़ नहीं होता है, सब कुछ पैसा नहीं होता है। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ पढ़ूँ? मेरी भी तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए, तो मैं TC म्यूज़िक में पढ़ूँगा, ये मेरी सबसे बड़ी व्यवस्था है ना। कुछ नहीं करना है, आप तो नहीं है तो भी आओ ना यार, आप तो पढ़िए ना आराम से। तो दूसरा प्रश्न भी आपका सही हो गया है, तो +2 +2। ठीक है, तीसरा प्रश्न ले लीजिए, कर्मारवी जाति में कितनी जातियों का मिश्रण है? बताइए कर्मारवी जाति में कितना जो है जातियों का मिश्रण था? क्लेम दिया था हमने इस प्रश्न का, इस प्रश्न का भी क्लेम दिया है ना, इस प्रश्न का भी क्लेम दिया था और क्लेम लगाया इस प्रश्न पे। तो पांच जो है इसने आए आपके यूजीसी ने 5 जातियों का जो है मिश्रण इसके अंतर्गत माना था। समय रहते तुरंत एक्शन लिया गया, और जो है हमारे कैंडिडेट जो है उन्होंने हमसे संपर्क किया, अपने स्तर पे भी उन्होंने सर्च किया, हमसे भी कंटेंट लिया, मैंने उनको पुख्ता प्रमाण दिए, मैंने कहा ठोक दीजिए आप क्लेम, और इस प्रश्न आपका बिल्कुल ये माना जाएगा। मैं 3 प्रश्न हमने लगवाए थे, तीनों के तीनों बिल्कुल सही हो गए हैं। तो इसमें 5 का दोस्तों नहीं है, इसमें 5 जातियों का कर्मारवी में नहीं है, केवल 3 जातियों का ही मिश्रण है। कितनी जातियों का मिश्रण है? केवल और केवल 3 जातियों का मिश्रण है, और ये प्रश्न आपका सही हो गया है। सही हो गया कौन कौन सा? आर्षभी, पंचमी, नेषादी, आर्षभी, पंचमी और नेषादी। बताइए
ये जो है आपके तीनों के तीनों प्लस 6 आप एड ऑन कर लीजिए अगर आपका पेपर आपने दिया हो तो, ठीक है ना। तो दोस्तों ये होती है सजगता, ये होती है सचेतना, ये होती है विद्यार्थियों के प्रति जागरूकता, ये होती है एक स्नेह की भावना, ये होती है अपनत्व, ये होते हैं विद्यार्थियों के साथ में स्नेह प्रेम प्यार क्या कितना है आपका, ये दर्शाता है। एम आई राइट या रॉन्ग? सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो ऑप्शन संख्या ये तीनों के तीनों प्रश्न जो हैं आपकी स्क्रीन पे मैं शो कर देता हूँ। ये देखिए उपांग और पुंडरिक विठल और कर्मारवी तीनों के तीनों आपके प्लस 6 कर लीजिए, ठीक है। तो आया मजा इस खुशखबरी से या नहीं आया? जिस जिसको आया हो तो अपने स्माइली के साथ में प्लीज इस सर वास्तव में मजा आ गया। और ऐसे ही सजग रहना है। अभी जो है मैंने तो नहीं देखा इसमें क्या आपके कोई क्लेम वगैरह करना है नहीं करना AES में भी। दोस्तों जगिए, जागो ग्राहक, जागो वाली जो है स्थिति बनानी है हमको कि जागो ग्राहक जागो। अगर कोई हमारा फ्रेंड जो है गलत दिशा में जा रहा है तो उसको बोलिए यार कहाँ जा रहा है, इधर इस शॉप पे जो है बहुत बढ़िया जो है मटेरियल दिया जाता है और रेट भी वाजिब लगाई जाती है, इन द सेंस कि आप यहाँ से लीजिए ना, क्वालिटी लीजिए, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, उन शेर जी को बोल देंगे कि भैया अकल देंगे हम। एक एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। और ये तीनों प्रश्न जो हैं आपके लग गए हैं और बढ़िया, अच्छा लगा हमको भी कि हमारी मेहनत काम में आई। फर्स्ट पेपर का भी हम सोच रहे हैं, जल्दी ही फर्स्ट पेपर आपका जो है TC म्यूजिक से आने वाला है, ठीक है ना। अब रॉन्ग लग रहा तो आगे कौन आएगा? जिसको बुखार होता है तो कुनेन की दवा लेनी पड़ती है, जिसके पीड़ा होती है दर्द उसी को होता है, तो आगे तो आना पड़ता है। आफ्टर डेट जो है आपको आपके पीछे सपोर्ट में अगर कोई नहीं खड़ा होता तो आप बताइए। फर्स्ट पेपर का भी जल्दी से ही हम आपके लिए व्यवस्था करने वाले हैं। और ये जो है आपका इस नंबर पे आप किसी भी प्रकार की मदद के लिए, किसी भी क्लास के लिए, जैसे MPTET अभी क्लास रिसेंटली चल रहा है, UGC नेट का जो है क्लासेस चालू हो गया है, जिस किसी भी विद्यार्थी को ज्वाइन करना हो कॉन्टेक्ट करें और ज्वाइन कर लीजिए। तो प्रश्न का आंसर क्या होगा? हवेली संगीत यानी कि कीर्तन से जुड़े हुए हैं। दीज आर एसोसिएटेड विद द कीर्तन्स ऑफ हवेली संगीत यानी कि पुष्टिमार्ग। हवेली संगीत का संबंध किससे जुड़ा हुआ? जाति गायन, अष्टपदी, प्रबंध गायन या ध्रुवा गायन, किससे आपके हो जाएगा? आप सभी की जीत है ये, मेरी जीत नहीं है, आप सभी की जीत है, संगीत की जीत है ये। जैसे अगर किसी से भी मैंने पूछा हो कि मेरे को तुरंत इसका, क्योंकि कंटेंट तो हमारे पास में ही पड़ा है, अब वो मैं उस दौरान बाहर हूँ और मैंने आप लोगों को फ़ोन करके कहा कि इसका जल्दी इस पेज का फ़ोटो खींच के भेजो, तो आप चाहे 100 काम कर रहे थे आपने हमको फ़ोटो खींच के भेजा है कि सर ये लीजिए ये फ़ोटो मैंने भेज दिया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों की जीत है, जो भी हमारे कॉन्टैक्ट में है, जो हमारे टच में है, कभी भी आप लोग मना नहीं करते हैं, कभी भी जो है हमसे जो भी हेल्प होती है हम आपके लिए तैयार रहते हैं। और आपको अगर कभी भी कोई कार्य दिया गया है तो उसको बखूबी निभाया है, तो ये जो है असली जो है इस इन प्रश्नों के हीरो जो हैं आप लोग हैं, और अच्छे से जो है जिन्होंने लगाया है वो इसके जो हैं असली वाकई हकदार है, जो है गाइडेंस में रहकर लगाया वो बहुत अच्छा, सभी को मदद मिली इन प्रश्नों से। तो देखिए नेट GRF जैसे किसी बच्चे का 192 नंबर बन रहा है और मान लीजिए नेट GRF जो 196 पे जा रहा है तो उस बच्चे को तो प्रॉब्लम हो गई ना। अब ये प्लस 6 जब इसके जुड़ जाएंगे तो 198 नंबर आ रहा है और उसका GRF हो जा रहा है, ठीक है ना। ये है तो आपके इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अष्टपदी, ठीक है ना। अष्टपदी जो है आपके एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टपदियों का वर्णन जो है दोस्तों कौन से ग्रंथ में मिलता है, किस विद्वान ने अष्टपदियों का वर्णन किया है बताइए। प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर हुआ ऑप्शन संख्या 2, बिल्कुल समझाएंगे अभी क्वेश्चन, ये जो है एक बार एक्सप्लेन कर ले अपन ये पेपर वाले को, ठीक है ना। जयदेव के गीत गोविंद, गीत गोविंद में आपके जो हैं जयदेव, अष्टपदियों का उल्लेख यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या आ गया है
ये क्या है भाई? ऑप्शन बातखंडे नोटेशन सिस्टम। क्या प्रश्न था ये? बातखंडे नोटेशन सिस्टम का था या पलुष्कर नोटेशन सिस्टम का था? यही था क्या प्रश्न? आई एम नॉट श्योर कि ये प्रश्न क्या था। अगर बातखंडे नोटेशन सिस्टम का ही अगर प्रश्न है तब तो ये प्रश्न बिल्कुल राइट है, ठीक है, और बिल्कुल ऑप्शन संख्या तीन इसका जो है एकदम सही है। हाँ बिल्कुल भातखंडे जी का ही था, लेकिन इन्होंने जो है क्या माना था, प्लस जो है इसका राइट आंसर माना था। ऑप्शन संख्या एक जो है इसके लिए सही उत्तर इन्होंने माना था, ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन संख्या तीन जो है वो एकदम सही जवाब इस प्रश्न के लिए आपका हो जाएगा, ठीक है आपका, यानी कि साइन ऑफ सम इन बातखंडे नोटेशन साइन के लिए बिल्कुल सही है, ये उल्टा आपका हो गया थोड़ा सा, साइन के लिए पूछा गया तो क्या हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो इन्होंने प्लस माना था, प्लस जो है आपके पलुष्कर पद्धति के अंतर्गत होता है, पलुष्कर में पलुष्कर पद्धति के अंतर्गत आपके होता है, और आपका जो है बातखंडे में आपका होता है, ऑप्शन संख्या तीन जो है ये इसका सही आंसर होगा। ठोक दीजिए क्लेम, है ना, हाँ ठोक दीजिए क्लेम इस प्रश्न पे, कौन आगे आएगा क्लेम ठोकने के लिए? कोई नहीं आएगा सर, इतना पैसा हम तो नहीं लगाएंगे, सर अपने आप ही लगा देंगे, क्योंकि सर को सपोर्ट तो करते हैं ना आप, बिल्कुल एक लाइक करने में तो इतना जोर आता है हमको, तो प्रश्न का क्लेम लगाने में तो बहुत जोर आएगा ना। हाँ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। टोटल मात्राज ऑफ ब्रह्मताल इज, ब्रह्मताल की कुल कितनी मात्रा है? 20 है, 24 है, 26 है या 28 है? कितनी मात्रा है, है ना, ब्रह्मताल की जो कुल मात्रा है वो कितनी है? एक ने भी हामी नहीं भरी कि सर आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं, नहीं जी ये तो कहावत की बातें हैं कि नेताजी आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं, वो वहीं अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो यानी कि प्लस तो जो है आपके खाली के लिए प्रयोग में लिया जाता है पलुष्कर पद्धति में, और आपके सम के लिए ये वाला जो है आपके लिया जाता है हिंदी वाला एक जो है वो सम के लिए प्रयोग में लिया जाता है पलुष्कर पद्धति के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें ब्रह्मताल में जो है आपके मात्रा हो जाएगी 28। ब्रह्मताल की आड़ कितनी मात्रा में आएगी दोस्तों बताइए फटाफट, ब्रह्मताल की आड़ अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आपसे कितनी मात्रा में आएगी? सर तो काहे को संघर्ष करेंगे, साथ तो सर जब संघर्ष करने जाते हैं सर अकेले ही रहते हैं, है ना। तो यानी कि आड़ पूछा है, आड़ कितनी मात्रा में आएगी? 28 मात्रा की आड़ आपको निकालनी है तो कितनी हो जाएगी? बिल्कुल तो देखिए आपके आड़ निकालते हैं, 28 मात्रा है, 3/2 है, और आपके इससे इनको मल्टीपल कर दिया है आपके 2 से, तो 56/3 18 या 54 18.2/3 में जो है इसकी आड़ आएगी, 18.2/3 के अंतर्गत जो है इसकी आड़ आ जाएगी। हाँ ऑप्शन संख्या एक चार इसका सही आंसर मेरे प्यारे मित्रों हो जाएगा, और अगर इसमें पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रकार की ताल है, किस प्रकार की ताल है, समपदी है, विषमपदी है, या किस कैटेगरी में इस ताल को लिया जाएगा, छापिए कमेंट बॉक्स में। प्राचीन ताल में ये ली जाती है और पखावज पर इस ताल को बजाया जाता है, अप्रचलित तालों की श्रेणी में इसको लिया जाता है। प्रश्न संख्या आ गया आपके स्क्रीन पे 19। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का संबंध है आपके दिल्ली, पंजाब, अजराड़ा, लखनऊ, कौन से घराने से हैं जाकिर हुसैन साहब? आइए शिवाजी खुश रहिए। जाकिर हुसैन साहब का संबंध जो है वो किससे हैं आपके? दिल्ली नहीं है भैया, अजराड़ा नहीं है, लखनऊ नहीं है, पंजाब घराने से आप संबंधित हैं,
और एके कुरैशी साहब जो हैं आपके पिताजी, अल्लाह रखा साहब जो हैं आपके पिताजी का नाम है और उन्हीं के से शागिर्द ये कहे जाते हैं, अल्लाह रखा खान साहब के ये आप पुत्र हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन संख्या जो है दो इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जाकिर हुसैन साहब को हाल ही में किस सम्मान से सम्मानित किया गया, हाल ही में किस सम्मान से सम्मानित किया गया, लेकिन वो सम्मान जो है इन्होंने लिया भी नहीं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो सम्मान इन्होंने प्राप्त भी नहीं किया है, या आप हाँ सम्मान इन्होंने नहीं लिया है, लिया है या नहीं लिया है, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण की उपाधि से जो आपको सम्मानित किया गया है, तो इन्होंने जो है शायद तक सम्मान समारोह में नहीं पहुंचे आप, ठीक है। प्रश्न संख्या आ गया आपके स्क्रीन पे जो है 20। जनगण मन वाज कंपोज्ड एज इन विच टाइप ऑफ रविंद्र संगीत, जनगण मन की रचना रविंद्र किस प्रकार के रविंद्र संगीत में की गई थी, ब्रह्मा संगीत, पेट्रियोटिक सॉन्ग, या आपका डिवोशनल या लव सॉन्ग। देखिए कहीं न कहीं ऐसे प्रश्नों को पढ़ा करो, कभी कभी ऐसे प्रश्नों को पढ़ा करो। स्वरांजी म्यूजिक लिटिल लव तो नहीं है, है ना, जैसे जनगण मन अधिनायक, ना इसमें जो है लव नहीं है, इसमें डिवोशनल भी नहीं है, पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक भी इसमें नहीं माना गया है मेरे प्यारे मित्रों। ब्रह्म संगीत जो है आपके रविंद्र संगीत का, जो ब्रह्म संगीत कहा गया है उससे रिलेट इसको किया गया है, ब्रह्म संगीत से, ठीक है ना। हाँ जनगण मन अमी तुम्हारो भालो बासी, अमी तुम्हारो भालो बासी जनगण मन। हाँ ऑप्शन संख्या ए। रचना जो है किसने की थी आपके, जो है ये जो है AESS ने जो है इसका आंसर माना है ना, वो ब्रह्म संगीत से जो है आपका रविंद्र संगीत में जो प्रकार आपके ब्रह्म संगीत हैं उससे इसकी जो है रचना मानी गई है, ठीक है ना। वैसे पेट्रियोटिज्म है, ये पेट्रियोटिक से रिलेटेड माना जाता है, देशभक्ति ओतप्रोत जो है आपका माना गया है, लेकिन ये ब्रह्म संगीत से कैसे माना इस पर भी थोड़ा मुझे भी संशय है, संशय है साहब इस पर। अब इसकी जो रचना की गई किस भाषा में की गई थी, इसकी जो रचना की गई थी भारत भाग्यो विधाता, भारत भाग्यो विधाता से जो ये लिया गया है, इसमें पांच जो है आपके छंद है ना, और 1900 बंगाली भाषा में, 1911 में जो है बांग्ला भाषा में इसको वही तो हम कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेट्रियोटिक भी हो सकता है इसका। और 20 सॉरी कब इसको जो है सम्मिलित कर लिया गया आपके नेशनल एंथम के लिए, कब इसको घोषित कर दिया गया, अपनाया गया, कब अपनाया गया बताइए, कहीं ना कहीं इसका पेट्रियोटिक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डिवोशनल भी नहीं है इसका, लव ये तो नहीं है, लेकिन इन दोनों में जो है आपका संशय है। हाँ 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को जो है इसको अपनाया गया है, ठीक है। अमार सोनार बांग्ला है ना, जनगण मन अमार आमी तुम्हार भालोबासी है ना, आप भी भालोबासी या नहीं भालोबासी प्रेम जी, तो देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट है, और बल्कि ये जो है ब्रह्म संगीत, तो ये मतलब ये रविंद्र संगीत में ब्रह्म संगीत का कहाँ से क्या है, लेकिन पेट्रियोटिज्म में जो है यहाँ से कहीं ना कहीं जो है जाना जाता है ना। अमी तोमाक,
ओके अमित कुमार, ओके ग्रेट। चलिए बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका भी एक बार और ऑथेंटिक रूप से देखना पड़ेगा एक बार कि क्या है आपके वास्तविकता इसमें, और आपके है ना इसमें जो है। पेट्रियोटिक, देशभक्ति, बिल्कुल बिल्कुल देशभक्ति से ही माना जाना चाहिए। वैसे तो इसको देशभक्ति ही माना जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने जो है ये आपका AES वालों ने माना क्या है इसको ब्रह्म। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, जहाँ तक है पेट्रियोटिक से ही रिलेटेड है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या आ गया आपके स्क्रीन में, कर्नाटक संगीत में प्रमुख ताले कितनी है, 108, 96, 10 या 7? वही हम कह रहे हैं, ब्रह्म संगीत तो प्रकार में नहीं है शिवाजी, लेकिन ये इन्होंने बिल्कुल ठोक दो क्लेम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। स्वदेश प्रेम, प्रकृति, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसमें कहीं नहीं है, और ब्रह्म तो है ही नहीं, लेकिन इन्होंने माना है तो वो नहीं होगा, वो भी क्लेम में जाना चाहिए। 108, 96, 10 और आपका 7, क्या होगा आंसर इस प्रश्न का? ये आजकल परसेंटेज वाला बड़ा चल गया है, 100%, 7%, 8%, ये है ना। चलिए तो इसमें आ गया आपका ऑप्शन संख्या 4 जो है, 7 प्रमुख ताले हैं इनकी, कौन कौन सी हैं? ध्रुव हो गई, कौन सी है मठ हो गई, कौन सी है आपके अट हो गई, कौन सी आपके त्रिपुट हो गई, कौन सी आपके जंप हो गई, कौन सी आपके रूपक हो गई, कौन सी आपके एक हो गई, ये ताले हैं। ठीक है ना, ध्रुव मठ अट त्रिपुट जंप रूपक एक, है ना, ये ताले हैं इनकी। बिल्कुल देखिए कोशिश है, और जिस जिसका भी आपका अच्छा स्कोर जिसका जा रहा है तो अपना स्कोर ज़रूर बताएं हमको, आप इस नंबर पे UGC नेट का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें, और इस क्लास के साथ में आप कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं तो डेफिनेटली आप हमें शेयर करें। ठीक है, अपना स्कोर क्या रहा है और क्या जिसका नेट हुआ है या GRF निकला है, तो आप जब सभी हमें सूचित करें, और कितना आपका मार्क्स बन रहा है वो भी आप हमें बताएं। बहुत जल्दी ही जो है आपका ये रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा, एक दो दिन दिन में मेरे ख्याल से रिजल्ट आ जाएगा अब आपका, और KV वाला भी रिजल्ट अब डिक्लेयर होने में ही है, तो सभी ज़रूर बताएं भाई इस नंबर पर। 7 ताले प्रमुख हैं। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या आ गया है, रियल नेम ऑफ पंडित गुदई महाराज, गुदई महाराज का असली नाम कामता प्रसाद, सामता प्रसाद, शारदा प्रसाद या गुदई महाराज क्या है? सामता प्रसाद जी, एकदम करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। से 20 यानी कि जून या जुलाई 1921 में जो है इनका जन्म होता है, कब होता है 1921 में जो है इनका जन्म होता है, यूपी में आपके बनारस में कबीर चौराहे पे जो है आपका जन्म होता है। और इनके पिताजी का नाम क्या है? ऑप्शन संख्या 2 इसका सही आंसर है, पिताजी का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या हो जाएगा? इनके पिताजी का नाम बताएगा कोई? बड़ोरे बाबा आगे कोई नहीं बताएंगे। बच्चा मिश्र जी, बच्चा मिश्र जी जो हैं आपके, ये पिताजी का नाम है इनके। ठीक है, बच्चा मिश्र जी, और किन से शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने? हम
बच्चा मिश्र जी इनके पिताजी बीकू महाराज जी के शिष्य, पहले जो है बच्चा महाराज जी से अपने पिताजी से, आफ्टर दैट बीकू महाराज जी के शिष्य बिल्कुल कहे जाते हैं। प्रश्न संख्या आ गया आपके स्क्रीन पे 23। घराना ऑफ उस्ताद मुनीर खान का घराना कौन सा है? दिल्ली, फरुखाबाद, लखनऊ, पंजाब, कौन सा घराना है इनका? प्रश्न संख्या 23। 23 का राइट आंसर देने की कोशिश की जा रही है, और कौन देगा इस प्रश्न का फास्ट आंसर? और लिए हैं आपकी स्क्रीन पे, और देता है सबसे फास्ट आंसर उस्ताद मुनीर खान जी का संबंध जो है वो है आपके फरुखाबाद घराने से। किस घराने से हैं? फरुखाबाद घराने से आपके उस्ताद मुनीर खान जी का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके आ गया है आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, द इंटरवेल बिटवीन टू श्रुतिज एज कंपेयर्ड टू द इंटरवेल बिटवीन टू स्वराज, यानी कि दो श्रुतियों के बीच का अंतराल, दो स्वरों के बीच के अंतराल की तुलना में जो है क्या है? लेस, क्या मोर, क्या इक्वल, क्या नन ऑफ द अबाउ, यानी कि कम है, ज़्यादा है, या समान है, या नन ऑफ द अबाउ है? Somebody are saying कि ज्यादा, somebody are saying कम। जो ऑप्शन संख्या दो दे रहे हैं, इस प्रश्न को समझो कि दो श्रुतियों के बीच का अंतराल दो स्वरों की अंतराल की तुलना में क्या होता है। भाई श्रुति तो सीक्वेंस से चलती जाएगी ना ये, और स्वर तो यहाँ पे जो है दो स्वरों के बीच में सा रे, यानी कि इन दोनों के बीच में ही तीन श्रुति का अंतर आपके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी प्रकार स्वरों के जो है दो स्वरों के बीच में श्रुतियों का अंतराल तो आपके कम होगा, श्रुति का अंतराल कम होगा आपके, ठीक है ना, श्रुति का अंतराल आपके कम होगा। ऑप्शन संख्या एक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, कम होगा, ठीक है ना। चलिए तो ये था आज का हमारा पेपर, सभी ने आपने अटेम्प्ट किया, और कैसा लगा आपको आज के इसके बारे में? लास्ट प्रश्न अभी, अंतिम प्रश्न आपका बाकी है, अंतिम प्रश्न हम करने जा रहे हैं। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जो है जाकर के आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आपका जो भी नंबर आपका बन रहा है कि मेरा इतना नंबर बन रहा है, मेरा इतना बन रहा है, या मैंने इस क्लास से कुछ सीखा है, तो बिल्कुल जो है आप इस नंबर पे आप हमें सूचित करें और बताएं। और एमपी टेट वगैरह की क्लासेस, यूजीसी नेट की क्लासेस जो हैं आपके निरंतर चल रही है, सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में ये क्लासेस चल रही है, और कितने बजे चल रही है? 6 बजे से पहले स्टार्ट हो जाती है क्लासेस, 7 बजे तक क्लास गोइंग ऑन, ठीक है। जो भी इच्छुक विद्यार्थीगण हैं संपर्क करें और जुड़े। तो सभी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया लगा आज तो, बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा, अमार तुम्हारो भालोबासी, है ना, सभी चलिए चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अच्छा है, सुंदर। सभी जो हैं प्रयास करते रहें, ईश्वर आप सभी को जल्द से जल्द जो हैं, सर अमी तुमार क्या है, अमी तुमार अमी है जिया जी, और क्या कहेंगे, है ना। उसका व्हाट्सएप ग्रुप बना दें, 30 नंबर का जो हिंदी इंग्लिश का है उसका व्हाट्सएप ग्रुप बना दें। वेरी वेरी गुड, बना देंगे व्हाट्सएप ग्रुप, बना देंगे उसका। चलिए हाँ, संपर्क कर लेना, डिस्कस कर लेंगे, चिंता मत करो। हाँ हाँ चलिए आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, और दोस्तों क्लास अगर वाकई आपको अच्छा लगता है तो फीडबैक ज़रूर दिया करें आपका, और जाकर के बिल्कुल
इस बार जो है आपके ज़्यादा नहीं जाने की उम्मीद है, तो बिल्कुल पुनीत जी, ईश्वर से यही आपके लिए शुभकामना कि आपका जो है हो जाए जियारत। अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, अंतिम प्रश्न आ गया है, और अंतिम प्रश्न कह रहा है कि ए म्यूजिकल स्टड कंटेंस हाउ मेनी श्रुतिज अकॉर्डिंग टू द एशियंट स्कॉलर्स, यानी कि प्राचीन विद्वानों के अनुसार जो है एक संगीत के पैमाने में कितनी श्रुतियाँ होती है, तो होती है 20, 24, 22 या 21, कितनी श्रुतियाँ आपके इसमें होती है। प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पे जो है 25, 25 का राइट आंसर कौन कौन दे रहे हैं, बिल्कुल सभी का जो है एकदम फंटास्टिक जो है आंसर आ रहा है, किसी का भी गलत आंसर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो आज के विजेता भी जो हैं, मुझे लग रहा है मुश्किल है निकालना, मुझे लगता है मुश्किल है, और 22 जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर प्यारे मित्रों हो जाएगा, ठीक है ना, 22 आंसर इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 3 जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ये था आज का हमारा क्लास, अगर क्लास अच्छा लगा है तो जाइएगा अपने कमेंट सेशन में और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये डिटेल क्लास की आपके स्क्रीन पे है, और जो भी जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ के डेफिनेटली हमारे साथ में तैयारी कर सकता है, ठीक है। सबसे फास्ट आंसर हैं रितिका जी, उनके बाद में पंकुड़ी जी, लता जी, भरत जी, पूर्वा जी, और पुनीत जी, शिवा जी, भारती जी, स्वरा जी, नेहा जी, कनिका जी, पूनम प्रजापति जी, जिया जी, अभय जी, रंजीत जी, विनायक जी, नीतू बघेल जी, राजीव जी, नूतन कला जी, मीनू जी, डी एस तबला जी, एम प्रेम मल्होत्रा जी, श्याम जी, दीपिका श्रीवास्तव जी, राजकुमार जी, राजेंद्र जी, ममता जी, भावना जी, नेहा जी, अमन जी एंड हेम जी, सभी ने जो है बहुत शानदार जवाब दिया जी, तो आप सभी को ट्रॉफी मिलता है जी, और मेडल आप सभी लेके जाइए जी, बहुत बहुत बधाइयाँ सभी को, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप ऐसे ही हंसते रहिए, आपके चेहरे पे जो है मुस्कान होनी चाहिए, गम इस बात का नहीं है कि इस चीज़ में हमारा जो है डाउन गया है, गम इस बात का है कि हमारे चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, मुस्कान आपके चेहरे पे होनी चाहिए, मुस्कान किसी भी प्रकार से जो है कम नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। सभी के लिए ट्रॉफीज़ आप सभी के लिए जो हैं, और ये आपके लिए मेडल भी हैं, व्यवस्था सारी है, तो आप सभी जो है मेडल पहन के जाएं, चिंता ना करें, मेडल पहनो आप, है ना। सभी जो विजेता हैं उनको बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से, शुभकामनाएं हमारी ओर से, और ऐसे ही हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर बनी रहें। और रसगुल्ला आप खाते रहें, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो करते रहें, ठीक है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी से इजाज़त चाहेंगे, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, आपको 2 किलो रसगुल्लो, 1 किलो बर्फी की विजेता घोषित कर दी जाती है, ठीक है भावना जी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे, जय हिंद जय भारत। क्लास का फीडबैक कमेंट सेशन में जाके ज़रूर दीजिएगा, आपको क्या अच्छा लगा, शुक्रिया, मिलते हैं कल, जय हिंद जय भारत।